हमारा आज का मौजू बिजली का बुरान है। शहरों में 8 घंटे और देहात में 18 घंटे की लोड शेडिंग का आगाज हो चुका है। हमारे हुक्मरानों ने ऐलान किया था कि 2017 के आखिर में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। अवाम ये पूछने पर हक बजानब है कि इन्होंने जो वादे किए थे कि हम बिजली का बुरान ख़त्म कर देंगे और हमने 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर ली है, तो वो बिजली कहाँ गई? क्या हम फिर अंधेरों में वापस चले गए? 2013 के इंतखाबात में आपका मेन नारा ही ये था कि हम मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे, लेकिन आप ऐसा ना कर सके। क्या हमारे ज़मीर इतने मुर्दा हो चुके हैं कि हम झूठ बोलकर अवाम से वोट मांगेंगे? मेरा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसका इदराक तो कम से कम हमें होना चाहिए। मौजूदा अबूरी वज़ीर आज़म साहब का जो पहला इजलास कल हुआ, उनका फोकस ही तवानाई के बुरान था। मेरा तो ख्याल ये है कि जिस तरह बुलंद बांग दावे किए गए, उसके मद्देनज़र मौजूदा वज़ीर आज़म को तो तवानाई बुरान का इजलास ही नहीं करना चाहिए था। तवानाई हमारे पास सरप्लस होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं तो यही कहूँगा कि बिजली सारी शेर खा गया, ज़मीन खा गई कि आसमां खा गया। हम ऐसे ही अंधेरों में, खूब अंधेरों में बैठे हैं और समझ नहीं आ रही कि किसको इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, अपने आप को, अपने ज़मीर को, अपने हुक्मरानों को या फिर किसी और को। इसका फैसला आपने करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।